नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है जो आज तक हुआ ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात यह है कि अभी उत्तर प्रदेश में करीब अक्टूबर में 10 उपचुनाव होंगे विधानसभा के, 10 सीटों में। अब वो जो 10 सीटों की चुनाव होने हैं उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में 5 लोग थे, एक आदित्यनाथ जी थे मुख्यमंत्री जी, उसके बाद 2 और उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम आए, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी। उसके बाद 2 लोग और आए, एक इनके प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी और इनके संगठन महामंत्री जो संगठन से हैं ये धर्मपाल जी, ये 5 लोग आए। और योगी आदित्यनाथ जी ने इन सभी 5 लोगों को 2-2 सीटों का बंटवारा कर दिया कि आइए 2-2 सीटें लीजिए और अपनी ताकत दिखाइए और चुनाव को जिता कर लाइए, तो फिर पता लगेगा कि किसमें कितनी ताकत है। अभी क्या है कि सामूहिक सीटों पे लड़ाई होती है, सभी नेता, बड़े नेता कोई अपने आप में सीट नहीं लेते हैं, वो सामूहिक लड़ते हैं। जीत गए तो वाह वाह और हार गए तो कोई बात नहीं, वो कार्यकर्ता ने हारवाया, ये हो जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार किसी को भी भागने का मौका नहीं दिया है, उन्होंने अपनी भी उतनी ही जिम्मेदारी ली है जितनी कि दूसरे नेताओं को दी है। ये सभी वो नेता हैं जो खुद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों या ब्रजेश पाठक हों, और अपनी नाराज़गी बीच बीच में इनके अध्यक्ष जी जो हैं वो भी दिखाते रहे हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये फॉर्मूला निकाला है 2-2 सीटों का, ये आज तक भारत की राजनीति में ऐसा हुआ ही नहीं कि सीटों का बंटवारा कर लिया जाए और फिर उस सीटों पे चुनाव लड़ा जाए और उसको सामने रिजल्ट लेकर आया जाए। अब इससे ये है कि पता लग जाएगा कि किस नेता में कितनी ताकत है सामाजिक रूप से, क्या वो वोट दिला पाता है, क्या वो जितवा पाता है अपनी सीटों को। और ये जो सीटें दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रहने वाला कहीं का है, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड कहीं है और उसको सीटें कहीं और दे दी गई, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने एक सीट तो अपनी फैजाबाद से रिलेटेड ले ली है, दूसरी भी पास की ही है, तो 2 सीटें इन्होंने ले ली। जबकि योगी आदित्यनाथ जी तो दूर हैं, गोरखपुर में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन इन्होंने अयोध्या चुना। इसके बाद अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो इनको एक सीट तो इनके गृह जनपद की ही दे दी गई है, दूसरी सीट है थोड़ी दूर की है। ऐसे ही अगर हम बात करें महामंत्री जो इनके हैं संगठन के, धर्मपाल जी, इनको भी 2 सीटें दे दी गई है, एक सीट तो दे दी गई है गाज़ियाबाद के शहरी क्षेत्र की और एक सीट दे दी गई है खैर की, खैर जो अलीगढ़ के पास पड़ता है, तो वहाँ की विधानसभा सीट है। ऐसे ही अगर इनके अध्यक्ष की बात करें भूपेंद्र चौधरी की, तो इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही 2 सीटें दी गई हैं, एक सीट तो इनके गृह जनपद के पास की ही बिल्कुल है, तो इन लोगों को दे दी। ऐसे ही ब्रजेश पाठक की 2 सीटें दी गई हैं, एक सीसामऊ की सीट दे दी गई है और दूसरी दे दी गई है करहल की। अब ये जो 2 सीटें हैं, इनमें इन सभी लोगों को अपनी अपनी ताकत दिखानी है कि क्या ये चुनाव में जितवा कर ला पाते हैं सीटें या नहीं। अगर जितवा कर ला पाते हैं तब तो माना जाएगा कि हाँ ये नेता दमदार है, अगर ये कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो ये कुछ करने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन अगर ये जितवा नहीं पाते हैं तो वहाँ से पता भी लग जाएगा कि कौन किस लायक है। अब ये देखना होगा कि ये कर क्या पाते हैं। ऐसे ही अगर बात करें समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, तो दोस्तों परेशानी वहाँ भी कोई कम नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने अच्छी जीत हासिल करी है समाजवादी पार्टी ने, जो इंडिया गठबंधन था, लेकिन उसमें कुछ झूठा नैरेटिव भी फैलाया गया था। जैसे कि ये बोला गया था कि भाजपा आएगी तो संविधान को बदल देगी, ये एक झूठ है जो कि लोग समझ भी गए, तो वो अब दोबारा इस सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करने वाले। तो अब
इनके लिए भी एक परेशानी वाली बात होगी कि ये आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि इनको भी अब मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, नई चीज़ों को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद एज सच ये कुछ खास तो कर नहीं पाए अभी तक, और ये कर भी क्या पाएंगे, इनके हाथ में सत्ता तो है नहीं, न केंद्र की है न राज्य की है, तो ये तो कुछ कर नहीं सकते। और इनके साथ परेशानी इस वक्त थोड़ी सी बढ़ सकती है, परेशानी इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि जो इनके चाचा जी हैं शिवपाल सिंह यादव, इनको कुछ दिया नहीं अखिलेश यादव ने, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना था विधानसभा में तो माता प्रसाद पांडे को बनाया गया, केशव प्रसाद मौर्य सॉरी माता प्रसाद पांडे को बना दिया गया, और शिव जो चाचा जी हैं उनको टोटली इग्नोर कर दिया गया। तो शिवपाल जी की जो अनदेखी करी है मुलायम इन्होंने अखिलेश यादव जी ने, ये हो सकता है कि इनकी पार्टी को नुकसान भी दे जाए, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव वो नेता हैं जो ज़मीन पर पकड़ रखते हैं, इन्होंने ज़मीनी रूप से राजनीति करी है, तो इनका धोखा खाना थोड़ा मुश्किल है, ये धोखा दे जरूर सकते हैं, और अखिलेश यादव कहीं ऐसा ना हो कि इनके ट्रैप में फंस जाएं। तो दोस्तों अब इस पे खैर कुछ और अपडेट आएगी जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आती चली जाएंगी, फिर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।